लो जी, आज आपको एक और कीवर्ड्स दिखाएंगे। आप कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे टी पब्लिक पर, तो एक मिनट। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है सर्च बार में। सर्च बार में आने के बाद आपने यहाँ पे ये जो सारे कीवर्ड दिखा रहे हैं, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। ठीक है, ये ट्रेंड में चल रहे हैं इस टाइम, तो आपने इसको क्लिक करना है। कोई भी एक आप खोल के देख लें। आपने यहाँ पर देखना है कितने डिज़ाइन हैं, यहाँ पर 29 पेज हैं। ठीक है, यानी कि अगर नेक्स्ट करेंगे तो और भी डिज़ाइन हैं, टोटल 29 पेज हैं। यहाँ पे अगर 4-5 पेज हैं तो आपने वो वाला कीवर्ड उठाना है। ठीक है, 10 तक हैं तो भी चल जाएगा, अगर 10 से ज़्यादा पेजेस हैं तो आपने वो कीवर्ड नहीं लेना। तो हम इसको यहाँ से करेंगे कैंसिल। तो अब टेस्ट का बिस्कुट है, अभी ये वाला देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है इस पे कम होएंगे, इस पे है 8। ठीक है, तो हम ये वाला कीवर्ड लेंगे। ठीक है, ये वाला कीवर्ड, आप इस कीवर्ड पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने टाइटल और डिज़ाइन देखना है। आपने यहाँ पे न्यूएस्ट लिखा है, पॉपुलर लिखा हुआ है, आपने पॉपुलर पर जाना है। पॉपुलर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं डिज़ाइन वो कौन से हैं। आपने एक पेज के देख लेने हैं, एक जो फर्स्ट पेज है पॉपुलर के अंदर आएगा, उसके सभी डिज़ाइन, आपको जो डिज़ाइन सही लगे आपने वहाँ से सिर्फ एक आइडिया लेना है। ये नहीं कि आप कॉपी कर लो, आपने कॉपी बिल्कुल नहीं करना, आपने जस्ट बस आइडिया लेना है। ये आप इस तरह से डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। एक ये डिज़ाइन है, मैंने ऐसा आइडिया लिया था और मैंने बिल्कुल सेम ऐसे डिज़ाइन क्रिएट किया था, लगभग सेम ही है। मतलब इसके जो फॉन्ट है वो मैंने चेंज किए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन लेंगे, ऐसा भी आप ले सकते हो, टेस्ट द बिस्कुट आप ये ले सकते हो। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया, और उसके बाद जाएंगे हम कैनवा में, हम डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये साइट ऐसे ही है, बेकार सी, हम कैनवा में जाएंगे। ठीक है, कैनवा में जाने के बाद हम जाएंगे, एक मिनट, जस्ट वेट। कैनवा में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे, अपने विड्थ और हाइट रखनी है 5000। ठीक है, ये भी 5000 रख दी, और ये हाइट भी रख दी 5000। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपने चले जाना है एलिमेंट्स में। मैथ्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने वो कीवर्ड जो वहाँ से हमने लिया था उसको यहाँ पे पेस्ट करके हमने सिंपल एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने जाना है ग्राफिक्स में, आप फोटोज़ भी देख सकते हो। फोटोज़ में अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, जैसे ये भी अच्छा है। ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं, अच्छा है डिज़ाइन। और आप यहाँ ग्राफिक पे जाके, ऑल पे जाके आप सब देख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाला डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मीटअप यहाँ पे और देख लें और किस तरह की डिज़ाइन है, हम फिर वैसा ही क्रिएट कर सकते हैं। आपने ज़्यादा ये देखना है, आप टेक्स्ट वाले डिज़ाइन लो, वो उनको बनाने में भी आप आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो ग्राफिक में जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, ये लेने के बाद हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे, और ये मक्खी काम कर रही है। टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान से ही आप लिख लें, चाहे टेस्ट द बिस्कुट ही चाहे आप लिख दें। तो उसके लिए हम जाएंगे
इसमें आप आइडिया ले लें आपको किस तरह से आपको लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया फॉन्ट, आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही लेना है। आप यहाँ पे सिंपली आप जैसे ये लिखे हुए हैं, ये भी आप यहाँ पे करके आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम आप यहाँ पे लिख दो कि टेक्स्ट द बिस्कुट, और यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और ये जो इसका साइज है इसको आपने कर देना है 6x250 पे आपने कर देना है, और कर लेना है डाउनलोड। आपने ये ध्यान रखना है अपने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही लेना है। ये कैनवा प्रो के अंदर आपको ये फीचर मिलेंगे, अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो उसके अंदर ये आपको ज़्यादा फीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अपने कैनवा प्रो ही लेना है। अगर आपको कैनवा प्रो का नहीं पता आप कैसे यूज कर सकते हैं फ्री में, तो उसके लिए आप मेरे को बताएं, कमेंट करें, या कुछ भी आप मेरे को बता सकते हैं। इंस्टा आईडी मैंने मेंशन कर रखे हैं अपनी जो वीडियो, उनके अंदर आप वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आप कैसे कैनवा प्रो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।